नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। दिल्ली के युद्ध का, चुनावी युद्ध का अब अंत हो चुका है, साथ ही साथ नतीजे आने को है। इसी बीच मेरे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए मेरे साथी ललित, जिनसे हम जानेंगे कि दिल्ली में एग्जिट पोल के मुताबिक कौन आगे चल रहा है और किस लिए। ललित, सबसे पहले बताइए कौन सी पार्टी है जो इस वक्त सबसे आगे चल रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, एग्जिट पोल के हिसाब से गौरांशी, ये तो हम सभी जान रहे हैं कि पूरे देश भर की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। और जैसा कि जो सभी एग्जिट पोल्स जो अपने नतीजे दिखा रहे हैं, उसमें सारे एग्जिट पोल्स जो हैं वो बीजेपी को 300 से ऊपर की सीटें दे रहे हैं। कई एग्जिट पोल्स तो ऐसे हैं जो कि 350 तक का आंकड़ा छू रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की सातों सीटों की बात करेंगे कि दिल्ली की सातों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है, जो कि अपने आप में एक बेहद बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर पर ऐसे समय में बहुत बड़ी बात है जबकि हम जानते हैं कि कई सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट से जो नाराजगी थी लोगों की वो बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बावजूद उसके मोदी फैक्टर जो है एक बार फिर से चल गया है। ललित, सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस को वोट ज्यादा जा रहे हैं, मुस्लिम अगर वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद, अगर बीजेपी फिर से सात सीटों पर बाजी मारती नजर आ रही है तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, बीजेपी के सात सीटों पर वापसी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है बीजेपी का मुद्दा, जिसको वो राष्ट्रवाद की परिभाषा दे रहे थे। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जो आगे बढ़ रहे थे, उनका इसी को लेकर साफ तौर पर कहना था कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो देश की सुरक्षा का मामला है, देश का मामला है, क्योंकि इस वक्त जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ मोदी को हटाने की बात कह रही हैं, जबकि मोदी जो है वो राष्ट्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। विदेशों में भारत की मजबूत स्थिति की बात उन्होंने रखी, एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा, इसके अलावा अवैध घुसपैठिए 370 ऐसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट अपनी राय रखी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता उस मामले से बड़ी प्रभावित हुई। साथ ही जो पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया, वो निश्चित तौर पर गौरांशी दिल्ली जैसे वोटर के लिए, कहा जाता है कि दिल्ली का जो मिजाज है वो पूरे देश का मिजाज है, कुछ इसी तरह की स्थिति है। और आप देख भी लीजिए कि दिल्ली में सात सीटें जीत रही है हमारे सर्वे में, क्योंकि टोटल न्यूज का सर्वे आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। जी। तो टोटल न्यूज के सर्वे के अनुसार अगर सात सीटें जीत रही है, और वही तस्वीर जो है पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। और तरुण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो हमने बातचीत की थी तो आपने मुझे खुद से बताया था कि दिल्ली की जो सात सीटें उनमें बीजेपी आगे आती दिख रही है। बिल्कुल, दिल्ली की में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर आगे आती दिख रही है, और जिस तरह के नतीजे हैं, और सबसे बड़ी बात एक बात ये भी है कि देखिए, इस बार किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ा है, जहां तक मेरी समझ कहती है मोदी को वोट पड़ा है। और इस बार मान लीजिए कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अब थोड़ा सा अगर वोट परसेंटेज पर नजर डालें तो वोट परसेंटेज देखिए आप कितना, बीजेपी जो है, बीजेपी का जो दिल्ली में बेसिक वोट परसेंट है वो तकरीबन 28% के आसपास का है, और 28% से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार 53% तक पहुंच गई है। 53% वोट लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो तकरीबन सात सीटें जीत रही है। मतलब इसके बाद गौरांशी, और भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस बार कांग्रेस वापसी कर रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ गई है, वो 23.47% वोट लेकर, और आम आदमी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, जिससे कि उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, और नतीजा ये हो रहा है कि वो 19% के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। हाशिए पर आ चुकी आम आदमी पार्टी। थोड़ा हाशिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से सोचने वाली बात जरूर पैदा हो गई है कि आखिर जब सरकार, जब सत्ता में वो है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी सेकंड पोजीशन भी नहीं ला पाए। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि मोदी के नाम के आगे सब कुछ ढह गया, तो आखिर आपकी सेकंड पोजीशन क्यों नहीं आई? कांग्रेस ने बहुत अच्छे प्लेयर्स उतारे मैदान में, और नतीजा यह है कि 23% वोट लेकर आए हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ हरियाणा में भी कुछ दिन पहले शहनवाज हुसैन ने भी कहा था कि बीजेपी इस बार 300 के पास जाएगी, और कहीं ना कहीं बात सही होती भी दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल न्यूज ने अपने जो जनता से बातचीत थी उसमें तरुण जी ने आपको खुद से बताया था, ललित जी ने बताया था, तमाम लोगों ने आपको बताया था कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, एग्जिट पोल सही जाता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या कहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए देखते रहे टोटल न्यूज। नमस्कार।